प्यारे विद्यार्थियों, अज थोड़ा 11वीं जमात का आपां नवां विशा शुरू करन जा रहे हैं, रिश्ते नाटक। सब तो पहला आपां रिश्ते नाटक दे विच इहदा विशा वस्तु करांगे कि जिहड़ा हैगा नाटककार ने इस दे विच किहड़ा विशा पेश कीता है। ये क्वेश्चन तुहानूं जिहड़ा हैगा पेपर दे विच इस तरह भी आ सकता है कि रिश्ते नाटक का विशा वस्तु लिखो, जां इस क्वेश्चन नूं मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं कि रिश्ते नाटक विच नाटककार ने किस समस्या नूं पेश कीता है, किस समस्या नूं बयान कीता है, उहनूं तुसीं अपने शब्दों में लिखो जां उहदे बारे अपने विचार लिखो। किसी भी जिहड़ा फोन दे विच क्वेश्चन आ सकता है उहदा मतलब की है, विषय ही है, तुसीं विषय ही लिखना है। जदों भी आपां किसे नाटक का कविता का कोई विषय लिखना है, सार लिखना, तां याद रहे विद्यार्थीओ सब तो पहला उहदे विच आपां की लिखांगे, राइटर नेम लिखांगे कि रिश्ते नाटक जिहड़ा कृत ब्रियाम मस्त द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है, जिदे विच लेखक ने दो सभ्याचारां दे फर्क नूं पेश कीता है। यानी कि केंद्रीय विशा उहने की बनाया है कि दो सभ्याचारां दे फर्क नूं दर्शाया है, कि उह कहिंदे है कि एक सभ्याचार मानवी कदरां कीमतां नूं आधार बनाउंदा है, ते दूजे पासे दूजा सभ्याचार की है, पैसा ते निज प्रधान, पर आखिर जित किहदी हुंदी है, मानवी कदरां कीमतां दी। ठीक है कि देखो, एक तो साडे देश दे विच जिहड़ा हैगा रिश्तिआं दी अहमियत नूं दर्शाया गया है, मानवी कदरां कीमतां नूं दर्शाया गया है। ठीक है, दूजे पासे बाहरले देशां दे विच की हुंदा है, पैसा प्रधान है ते अपना स्वार्थ प्रधान है, अपना निज प्रधान है। पर कुछ साहित्यकारां दा कहना है कि कृत ब्रियाम मस्त ने रिश्ते नाटक दे विच केंद्री विशा कीनू बनाया है, छोटी किसानी दी माड़ी आर्थिकता। ठीक है, उहदे नाल सभ्याचारां दे नाल उन्होंने छोटी किसानी नूं भी इस नाटक दे विच विशा बनाया है। देखो जिवें हरेक मतलब जिहड़ी हैगी लिखत दे विच एक मतलब मुख विषय दे नाल छोटे छोटे कई विषय नूं पेश कीता हुंदा है, इसे तरह जिहड़ा हैगा गा लेखक ने छोटे छोटे कई विषयां नूं पेश कीता है। उन्होंने छोटी किसानी बारे दस्सा, छोटी किसानी की हुंदी है, जिन्हां कोले थोड़ी जमीन हुंदी है, थोड़ी जमीन वाले किसानां नूं दी छोटी किसानी मन्नी जांदी है। ठीक है कि छोटी किसानी वाले लोग है जिहड़े, उह की है अपनी जिहड़ी आर्थिकता नूं सुधारन लई अपनी जमीन गहने रख के अपने पुत्तरां नूं कमाई करन लई विदेशां 'च भेज दिंदे है, परंतु जिहड़ा हैगा गा उहनां दे पुत्तर जिहड़ा कमाई करन जांदे है ते उह नौजवान बाहरले मुल्कां दे विच जा के ते अपना पिछा भुल जांदे। ठीक है, उस मुल प्रबंध नूं कह लो, उस मुल्क दे अकॉर्डिंग चल के अपने आप नूं उस मुल्क दे अकॉर्डिंग ढाल लैंदे है, ते अपना जिहड़ा हैगा गा अपना पिछा, अपनी बैकग्राउंड, अपने माँ बाप दा जिहड़ा जमीन गहने रखी हुंदी है जां करजा चक्किया हुंदा है, उस करजे नूं भुल जांदे है। ते माँ बाप की इंतजार करदे है कि उहनां दे बच्चे डालर लै के आउणगे ते उहनां दी जिहड़ी गहने पई जमीन छड़ाई जाएगी, जां जिहड़ा हैगा उहनां दे सिर करजा चढ़िया उह करजे तों उह मुक्त हो जाणगे। पर हुंदा की है, जदों नौजवान वापस आउंदे है, ठीक है, अपने माँ बाप की मदद करन दी थां ते उह की करदे है, रिश्तिआं दी अहमियत नूं भी भुल जांदे है, ते जिहड़ा हैगा आ के सगों उहनां दी मदद करन दी बजाए अपना बाकी रहिंदा हिस्सा मंगदे है। ठीक है, इस तरह इस जिहड़ा हैगा नाटक दे विच दो सभ्याचारां नूं विशा बनाया गया है, उहनां विशां सभ्याचारां बारे दस्सिया गया, उहनां दे फर्क बारे दस्सिया गया है, छोटी किसानी दी आर्थिकता बारे दस्सिया गया है, रिश्ते नात्यां नूं टुटदे होए दिखाया गया है कि नौजवान किवें अपने माँ बाप नूं भुल जांदे है। ठीक है, फिर इस नाटक दे विच आपां शॉर्ट दे विच इहदी जिहड़ी हैगी कहानी दस्सांगे, विशा लिखण तों बाद जिहड़ा विशा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है इस विषय दे विच क्वेश्चन दे विच, कि बंता सिंह एक सधारण किसान है, वह अपनी जमीन गहने रख के अपने पुत्र पीते नूं अमरीका भेजदा है। ठीक है, उहनूं हुंदा है कि उसदे घर की आर्थिक तंगी है जिहड़ी उह ठीक हो जाएगी तां कि उह अपने घर की आर्थिक हालत नूं सुधार सके। ठीक है, उसदे घर की आर्थिक तंगी हुंदी है, घर दे मतलब हालातां दी हालात सही नहीं हुंदे, तां उह जमीन गहने रख के अपने पुत्तर नूं अमरीका भेज दिंदा है। पर हुंदा की है, जिहड़ा पीता हुंदा है उत्थों दी पछमी सभ्याचार की चकाचौंध नूं वेख के जदों वापस आउंदा है, ठीक है, तां उह की करदा है, सारे रिश्ते नाते भुल जांदा है। पर आ देखो दस्सिया, उसदे पुत्तर पीते दा अमरीका जा के रिश्तिआं दी अहमियत नूं भुल जाणा। ठीक है, उह आ के उहनां दी मदद करन दी बजाए उहनां कोलों अपने घर विच्चों बणदा हिस्सा मंगदा है, अपनी जमीन जायदाद का जां अपने घर का हिस्सा मंगदा है, तो अपने मापिआं नूं बोल कबोल भी बोलदा है। जदों बोल कबोल बोलदा है तां उहनां जिहड़े बेचारे गरीब मापिआं दे, ठीक है, जिन्हां ने जिहड़ा उहनां नूं उहनूं भेजण वास्ते सैट करन वास्ते करजा चुक्किआ हुंदा, करजई मापिआं दे जिहड़े हैगे सारे सुपने टुट जांदे है,
क्यों सुपने टुट जाते हैं? क्योंकि उन्होंने तो पैसे मिलन की आस सी, पर उत्थे की हो गया, उन्हों का पुत भी एक पुत हो गया, भाव पुत भी जिहड़ा रिश्ते नात्यां भुल गया अपने माँ बाप को, जिहड़ा मदद करन की बजाय वह की करता है, बोल कबोल बोलता है, जिहड़ा रिश्तिया की अपनत्त नूं खत्म हुंदे दिखाया गया इस दे विच। पर कहिंदे जदों पिता अपने माँ बाप नाल लड़दा, अपने भरा नाल लड़दा, भरजाई नाल लड़दा, जदों सारिया नाल लड़दा, तां ऐन मौके ते सुंदर वाणिया आ जांदा है जिहदे कोल उन्होंने करजा चक के उन्हों बाहर भेजा सी। भावें कहिंदे सुंदर वाणिया कई बार जिहड़ा हैगा अपने पैसे मंग चुकिया सी बंता सिंह होरां तों, पर इत्थे उह जिहड़ा हैगा अपनत्त दे रिश्ते नूं निभाउंदा होया की करता है, पीते नूं गुस्से च बोलता कि उहदा जिहड़ा हैगा घर विचों उहदे हिस्से बनदा हिस्सा मिल जाएगा, तो 30,000 उहदे मत्थे मारदा है कि आ चक, पर बंता सिंह का घर नहीं मैं विकण दे सकता, ठीक है, मैं बंता सिंह नूं बेघर हुंदे नहीं देख सकता। फिर उत्थे उहदी नूह मनिंदर, बंता सिंह की नूह मनिंदर भी अपने सस सहुरे नूं हौसला दिंदी है। देखो सुंदर बाणी अपनत्त दे रिश्ते नूं निभाउंदा है, सुंदर बाणी जिने कि अंत विच बंता सिंह की मदद करता है, जबकि खून के रिश्ते उहदे की है बगाने हो गए, उहदा पुत कपुत हो गया, तो सुंदर बाणी उहदी मदद करता है, ठीक है। फिर नूह मनिंदर का अपने सस सहुरे का हौसला वधाउणा, नूह जिहड़ी हैगी है वह की कहिंदी है कि मैं अपना जिहड़ा GPF ते होर बचत के पैसे, क्योंकि वह छोटी कोई नौकरी करती है, कि तुहानूं जिहड़े हैगे उह दे देवांगी, तो मैं जिहड़ा हैगा अपना घर बार विकण नहीं देवांगी। इस तरह विद्यार्थियों इस नाटक के विच छोटी किसानी की आर्थिक स्थिति नूं रूपमान किया होया, ते नाल ही दो देशां दे सभ्याचार दे फर्क नूं दर्शाया होया, ठीक है, की फर्क नूं दर्शाया है, आपां दस्सिया है कि अपने देश दे लोक है जिहड़े उह रिश्ते नात्यां नूं पहल दिंदे आ, जिवें कि सुंदर वाणिया हैगा उह पैसा छड्ड के आपदे जिहड़े दोस्ती दा साथ दिंदा है, ठीक है, मापे जिहड़े अपने पुत्तर नूं उड़ीकदे आ, ठीक है, भी उह आएगा साडा करजा लाएगा, पर पुत की हो गया पछमी सभ्याचार दा प्रभाव पै के की हो गया कपुत हो गया, ठीक है। दो सभ्याचारां दे फर्क नूं दर्शाया, उत्थों दे देश की गल करदा कि उत्थे तां एवें हुंदा, मैनूं बणदा हिस्सा दिओ, मैं उत्थे जाके सैट होना चाहुंदा, ते अपने देशां दे समाजिक मुल्लां की वड्याई करदा, ठीक है, लेखक इहदे विच अपने देशां दी देश दे समाजिक मुल की वड्याई करदा कि साडे देश दे विच जिहड़ा हैगा गा समाजिक रिश्तियां नूं अहमियत दित्ती जांदी है, खून दे रिश्ते फिक्के पै जांदे, उहनां बंता सिंह दा पुत है जिहड़ा उह मतलब अपने मापिआं नूं अवा तवा बोलदा है, उन्हां नालों रिश्ता तोड़ना चाहुंदा है, पर मनुखी रिश्तिआं दी सांझ कायम रहिंदी है। मनुखी रिश्तिआं दी सांझ किहदी है? जिवें सुंदर बाणीए दी बंता सिंह नाल सांझ है। पैसे नालों मनुखी भावनावां दी कदर ज़्यादा कीती जांदी है अपने देश दे विच, कहिंदे की दस्सिआ गया कि पैसे नालों मनुखी भावनावां दी कदर ज़्यादा है, ते नाल ही इह दस्सिआ गया कि मापे अपने रिश्ते दे करजाई हो जांदे है, सॉरी कि मापे जिहड़े हैगे अपने रिश्ते नूं निभाउंदे होए करजाई हो जांदे, रिश्ते नूं निभाउंदे होए करजाई हुंदे आ, इत्थे लिखणा है किवें रिश्ते नूं निभाउंदे करजाई हो जांदे आ, कि उह अपने पुत्तर नूं बाहर भेजण लई जिहड़ा हैगा करजा चुकदे आ, जमीन गहने रखदे आ तां कि उहनां दा पुत्तर जिहड़ा सैट हो जाए, कि उहनां ने तां गरीबी देखी है, उस तों बाद जिहड़ा उहनां दा सारा परिवार सैट हो जाए, करजाई हो गए, पर पुत्तर की करदा आ के अवा तवा बोलदा, पुत्तर माँ की ममता नूं भुल के कपुत बन जाता, उन्हां दी मदद करन दी बजाए वह आस करते हैं, उड़ीक करते हैं कि जिहड़ा हैगा उन्हां दा पुत्तर डॉलर लेके आऊगा, सारा करजा ला देणगे, पर वह आ के अपनी माँ नूं, अपने प्यो नूं, अपने भरा नूं, सारिआं नूं अवा तवा बोलदा है कि वह अगों मदद करन दी बजाए की कहिंदा है कि मेरा बनदा हिस्सा दिता जाए, ठीक है। इस तरह जिहड़ा हैगा बच्चे हैगे है कि मापे नहीं को मापे हुंदे, पुत कपुत हो जाते, इस नाटक के इस तरह यह दिखाया गया है। तुसी इस विषय वस्तु नूं ध्यान नाल जिहड़ा हैगा गा पढ़ना है, तो इहदे विचों तुहानूं जिहड़े शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाणगे वह तुसी जिहड़े हैगे मार्क करने, तो जो तुहाडे नाल जिहड़े जूम सैशन दे विच डिस्कस किए जाणगे। धन्यवाद।